आप सबको मेरा राम राम नमस्कार। और जी क्या हाल चाल, सब ठीक हैं? तो आज है यूनिवर्सिटी का पहला दिन यार, एंड खुशी है कि यार देखो यहाँ पे एक नए कल्चर में जुड़ने का मौका मिलेगा, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और यहाँ का जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वो है थोड़ा सा यूनिट वाइज सिस्टम। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि सेमेस्टर वाइज होते हैं, भी आधा सेमेस्टर पहले आधा सेमेस्टर बाद में, यानी कि 6 महीने पहले पढ़ो उसके एग्ज़ाम दो, 6 महीने फिर पढ़ो एग्ज़ाम दो। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे यूनिट वाइज जो होता है सब होता है। एक यूनिट होती है 6 वीक की, तो 6 वीक में आपको असाइनमेंट सबमिट करवाने होते हैं, एक या दो असाइनमेंट्स होते हैं वो सबमिट कराओ और वही आपका एग्ज़ाम होता है। वो असाइनमेंट्स में आप पास, तो आप एग्ज़ाम में पास। और जो यूनिवर्सिटी है वो है मेरे घर से तकरीबन एक माइल के आसपास। यहाँ पे किलोमीटर्स में कलेक्ट नहीं होता, यहाँ पे माइल्स में कलेक्ट होता है। और एक माइल इज इक्वल टू हो गया अराउंड 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो यार मैं फिर पैदल जाना प्रेफर करता हूँ। यार प्रेफर क्या, मजबूरी है भाई। देखो क्योंकि मैं एक बार मैं बस में चला गया था कि मैं कहा चलो ठीक है बस में जाके देखते हैं। भाई मेरे आने जाने के 5 पाउंड लग गए थे, यानी कि 1.5 किलोमीटर के मेरे को 500 रुपये चुकाने पड़े थे यूनिवर्सिटी तक जाने के। तो यार उससे अच्छा तो ठीक है यार अपना पैदल चलो, और देट इज़ मच बेटर। अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी हो जाता है एंड ठीक है यार अपना पहुंच जाते हैं। तो अभी बस आधे रास्ते पहुंच चुका हूँ, एक दोस्त से मिलना है यार। वो हरप्रीत मेरे को यूनिवर्सिटी में ही फ्रेंड मिला था। और पहले दिन तो मैं यार, मेरा इंडक्शन था, मैं सोमवार को गया था, आज दूसरा दिन है। आज यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यूज़ को लेके, सॉरी रिव्यू तो नहीं, मतलब यूनिट्स का आज जैसे स्टार्ट होना है तो वो उसको लेके बताया जाएगा सारा का सारा, कि असाइनमेंट कैसे बनते हैं, कैसे सबमिट होते हैं, तो वो सब कुछ आज के दिन इंक्लूड होगा। तो अभी बस हरप्रीत से मिलना है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा अलग सिस्टम ये है कि आपका जो आई कार्ड होता है, ठीक है, तो जिसको स्टूडेंट कार्ड बोलते हैं, स्टूडेंट कार्ड से ही आपकी अटेंडेंस होती है, वो आपको टैप करना पड़ता है, ठीक है। तो यार मैं नहीं चाहता कि मेरी अटेंडेंस कम हो या कुछ ऐसा हो, तो मैं बस उसी के चक्कर में टाइम से पहुँचना चाहूँगा। तो मैं कह रहा था कि यार मैं हरप्रीत से मिलने गया था, मतलब हरप्रीत को मेरे को साथ में लेना था। हरप्रीत मेरे को मिल चुका है अभी। किद्दा पाजी? हाँ जी, की हाल है जी? हरप्रीत है जलंधर से। तो फिर किद्दा की लग रहा है यूके आगे की, मतलब कि कुछ अलग लग रहा है इत्थे? इत्थे दा बड़ा ही लग गया अपने उत्थे नालों, इत्थे दा लाइफस्टाइल भी वखरा आ, ते रूल्स आ, रूल आ इत्थे, हरेक चीज़ का रूल आ। ये नहीं भी आपां वे करना पैना, फॉलो करना पैना। जे आप फॉलो नहीं करांगे तो अपने तो इनक्वायरी होगी, तो फिर वो आपू पेनैल्टी भी देनी पै सकती है, तो अपने तो कोई ना कोई बैन भी लग सकता है। तो मतलब इतने जी लाइफ आ ईजी आ उसे नो बहुत। तो फिर अच कि लग रहा पहला दिन यूनिवर्सिटी का? बहुत वधिया। तो वीक दे विच 2 डेज क्लासिस आ, बाकी 5 दिन ऑफ आ। इंजॉयमेंट वधिया हुंदा पिया आ। इंजॉयमेंट यार देखो पता है क्या है कि जैसे अभी लास्ट टाइम इंडक्शन था, तो यार आप लोग इंडक्शन जरूर अटेंड करना, क्योंकि इंडक्शन में यार आपको बताया जाएगा बेसिकली ना सब कुछ, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में, आपको इंडक्शन में सब कुछ बताते हैं। तो इंडक्शन मत मिस करना कभी ना, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि पहला दिन है इंडक्शन का तो वो मिस कर देते हैं, उसको मिस करना मत करना। तो अभी यार देखो जैसे दूसरा दिन है, तो बस अभी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी आ जाएगी। और यार यहाँ का सबसे बढ़िया पता है क्या लगा, जो हम लोग जहाँ से जाते हैं ना, ये रास्ता ना एक मॉल के अंदर से होके जाते हैं, टीके मॉल के अंदर से, बहुत बड़ा मॉल है ल्यूटन के अंदर, तो इसके अंदर से होके हमें मतलब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने निकल जाते हैं। Thank you.
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਮੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਲਈ ਆਵੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੇ ਲਈ ਮਤ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਆਦਮੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਮੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸਟਰਸ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰਸ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਕਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰਸ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈ ਨਾ घंटे की क्लास के बाद अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से और मैं पूछता हूँ इनसे कि यार इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी कितना रहा थोड़ा एक्सपीरियंस क्लास का बहुत बढ़िया बढ़िया रहा 6 घंटे की क्लास फिर कितना निकली ठीक निकल गई के बड़ा औखा है ऐसी नहीं नहीं पहला 2-3 घंटे तक ठीक रहा ठीक थी अच्छा फिर बाचो थोड़ा यहां मतलब ब्रेक तो बाद घंटा ठीक सगा बाचो तो फिर नींद जी आने लगती अच्छा ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਉੱਥੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਆ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀ ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਫਰੀਕਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਅਨ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵੋ ਕਲਚਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਕੋ ਅਲੱਗ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕਲਾਸ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਂਬੀਅੰਸ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਸਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਓਕੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੀ ਯਾਰ गाइस ये था पूरा का पूरा वीडियो जो मैंने आपको यूनिवर्सिटी के ऊपर था बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है मेरी और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ में यूनिट्स डिवाइड होती हैं इसका एम्बियंस अच्छा था और टीचर्स अच्छे हैं फैकल्टीज अच्छी हैं देयर इज़ अ लाइक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ताकि ऑल लाइक देखी जाए तो चीज़ें अच्छी हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स था वो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश होते हैं वो उनको अलग से पढ़ाते हैं और बाकी खैर इसके अलावा बाकी सब बढ़िया एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो मुझे मैसेज ड्रॉप करना एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है कमेंट बॉक्स में तो मुझे प्लीज़ वो बताना और फिलहाल मैं घर आ चुका हूँ तो टेक केयर हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच